एक गांव में कालिया नाम की लड़की अपनी मौसी सुनीता के साथ रहती थी। उसके पापा मम्मी का कार में जादुई शक्ति से मौत हो गया होता है। उसका नाम आलिया रहता है। आलिया समझती थी उसके माँ बाप का मौत उसकी मौसी जादुई शक्ति से की है। सुनीता आलिया से बहुत प्यार करती थी। आलिया का जन्मदिन के लिए सुनीता तैयारी कर रही होती है। जैसे ही आलिया घर पर आएगी और ये सजावट देखेगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मैं उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। आलिया थोड़े देर के बाद घर आ जाती है। उस सजावट को देखकर सुनीता पर गुस्सा होकर भड़कने लगती है। ये क्या कचरा मचा रखा है, ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए बहुत प्यार से सजाया है, तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे मना सकती हो? मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम्हीं ने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे माँ बाप को मारा है। ऐसा नहीं है आलिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा है, तुम मेरी ही औलाद की तरह हो। झूठ मत बोलो तुम, अगर सच में मेरा अच्छा चाहती हो तो मुझे बताओ कि मेरे माँ बाप को तुमने क्यों मारा। ठीक है आलिया, आज मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। सुनीता आलिया को अपने जादुई कमरे में ले जाती है। आलिया, तुम्हें इतने सालों से लगता रहा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, जबकि ये सच है ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप को बहुत शक्तिशाली चुड़ैल ने मारा। सुनीता टेबल पर रखे बोतल आलिया को पकड़ा देती है। तुम्हारे माँ बाप की मौत का सुनने के बाद मैंने ठान लिया था कि उस शक्तिशाली चुड़ैल से मैं बदला लूंगी। इसीलिए मैंने जादू सीखा और उस चुड़ैल की हवेली गई और अपने जादू से उसकी सारी शक्तियाँ अपने बोतल में बंद कर दी। आलिया ये सब सुनकर घबरा जाती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माजी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, मैं आगे से कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें सच पता चल गया है ना। ये बोतल मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मासी, तुमने बताया नहीं कि अब वो चुड़ैल रहती कहाँ है जिसकी शक्तियाँ आपने छीन ली थी। वो चुड़ैल बहुत दूर एक जंगल के कोने में रहती है, वहीं उसकी हवेली है। एक बार तो उस चुड़ैल से मिलना पड़ेगा, उससे पूछूंगी कि उसने मेरे माँ बाप को मारा क्यों। अगले दिन आलिया जंगल की ओर चल पड़ती है। धीरे धीरे अंदर तक जाती है, तभी चुड़ैल की हवेली नजर आती है। लगता है कि यही है वो चुड़ैल की हवेली। आलिया जैसे कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है एक बूढ़ी औरत बिस्तर पे सोई होती है, बहुत कमजोर होती है। अरे कौन है, कौन आया है इतने सालों में मेरी हवेली में? तुम इस हवेली में क्या कर रही हो? मैं तो उस शक्तिशाली चुड़ैल से मिलने आई हूँ जो इस हवेली में रहती है। जिस शक्तिशाली चुड़ैल की तुम बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। एक जादूगरनी ने मेरी शक्तियाँ धोखे से छीन ली, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। हाँ, वो जादूगरनी तो मेरी मासी है। क्या आप मुझे अच्छे से बता सकती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? अरे ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है, मैं इस लड़की को झूठी कहानी बताकर उस जादूगरनी से अपनी शक्तियाँ वापस ले सकती हूँ। तुम्हारी मौसी एक बहुत बुरी जादूगरनी है, उस दिन तुम्हारे माँ बाप को उसी ने मारा था और मुझसे मेरी शक्तियाँ छीन ली ताकि वो शक्तिशाली बन सके। चुड़ैल की बात सुनकर आलिया बहुत दुखी होती है, चुड़ैल पे भरोसा कर लेती है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी शक्तियाँ अपनी मौसी से वापस लाऊंगी। आलिया के दिल में मौसी के लिए नफरत की भावना जग चुकी होती है। मौसी के रूम में आलिया जाती है और उस बोतल को देखती है और उस बोतल को खोलती है। खोलने के बाद आलिया एक चुड़ैल बन जाती है, बहुत सारी डरावनी चुड़ैल बन जाती है और चीखती और चिल्लाती है। तभी उसकी मौसी दौड़े हुए वहाँ रूम में आती है। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुमने वो बोतल क्यों खोली? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगी? तुम बहुत झूठी हो, तुम्ही ने मेरे माँ बाप को मारा है और उस चुड़ैल की शक्तियाँ छीनी है। मुझे उस चुड़ैल ने सब सच बता दिया है। आलिया तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो, वो झूठ बोल रही है। आलिया मौसी को एक बात नहीं सुनती है और आलिया चुड़ैल के पास चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ला मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दे। जैसे ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिलेंगी मैं फिर से इस लोक में राज करने लगूंगी। आलिया जैसे शक्ति के बारे में राज करना सुनती है वैसे उसके आलिया के मन में अजीब ख्याल आता है और उस चुड़ैल को शक्तियाँ नहीं देती है। नहीं,
मैं तुम्हें ये शक्तियाँ वापस नहीं दूंगी। ऐ लड़की, क्या बोल रही है? मुझे मेरी शक्तियाँ वापस चाहिए। तूने ये काम मेरे लिए किया था, अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती ऐसे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब ये शक्तियाँ नहीं दूंगी। अब ये शक्तियाँ मेरी हैं। मैं अब इसे लाके पर राज करूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। आलिया का बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगी। तुम सिर्फ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी और तुम बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण काली पड़ जाओगी। चुड़ैल जैसे आलिया को श्राप देती है, वैसे धीरे धीरे आलिया काली होने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मैं धीरे धीरे काली कैसे हो रही हूँ? काली चुड़ैल अपने शक्तियों से चुड़ैल को मार देती है, चुड़ैल मर जाती है और काली चुड़ैल को श्राप, जो बुरी शक्तियाँ मिली थी, वही काली चुड़ैल जंगल में घूमने जाती है। तभी दो बच्चों को देखती है और बोलती है, अरे ये बच्चे तो इतनी रात को हवेली की तरफ जा रहे हैं, मुझे इन्हें रोककर इन्हें घर भेजना होगा। काली चुड़ैल जैसे उस बच्चों को रोकने जाती है, तभी बुरी शक्तियाँ काली चुड़ैल पे हावी हो जाती हैं और गुस्से में, अरे वाह, इतनी रात को ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, अब मैं इनको अपनी हवेली में कैद रखूंगी और इनसे अपना काम कराऊंगी। बच्चों शांत चल रहे होते हैं, पीछे पीछे काली चुड़ैल चल रही होती है। तभी बच्चों को मालूम चल जाता है, पीछे मुड़कर देखते हैं और जोर से चीखते चिल्लाते हैं, अब तुम बच्चों को मैं पकड़ लूंगी और तुम्हें हमेशा अपनी हवेली में कैद रखूंगी। अब तुम सब मेरे नौकर हो। काली चुड़ैल अपने हवेली बच्चों को ले जाकर बुरी शक्तियों को इस्तेमाल कर रही होती है। उधर सुनीता अपने जादू से पता कर रही होती है कि आखिर काली चुड़ैल कहाँ है और किधर है। फिर मैंने उस चुड़ैल पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे मासी की बात सुननी चाहिए थी। अब मैं इस बुरी शक्तियों के अंधकार से अपने आप को कैसे बचाऊं? काश यहाँ मासी होती तो वो मेरी मदद जरूर करती। काली चुड़ैल को दिन पर दिन असर शराफ कर रहा होता है और काली पड़ती जाती है। उधर सुनीता को पता चल जाता है काली चुड़ैल कहाँ है। शुक्र है मुझे आलिया का पता मिल गया है। अब मैं आलिया से मिलकर उसकी मदद करूँगी। सुनीता काली चुड़ैल को ढूंढने जंगल में जाती है। ढूंढते ढूंढते आखिर पता चल जाता है। अंदर जाती है तो देखती है कि सारे बच्चे चीख चिल्ला रहे होते हैं। फिर बच्चों को देखकर सुनीता बहुत घबराती है। फिर उसके बाद सोचती है, उन काली शक्तियों ने आलिया के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। आलिया तो कभी इतनी बेरहम नहीं थी। इससे पहले कि इन बच्चों को और नुकसान पहुंचे और बाकी लोगों की भी जान खतरे में आए, मुझे इसे बचाना होगा। तभी काली चुड़ैल आ जाती है। सुनीता को काली चुड़ैल देखकर बहुत डर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आलिया, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम्हारा रंग कितना काला हो चुका है बुरी शक्तियों की वजह से। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। मैं यहाँ से तुम्हें बगैर लिए नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओ। सुनीता पर काली चुड़ैल का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी काली चुड़ैल सुनीता पे वार करती है। तभी सुनीता अपने शीशी में पूरे कैद कर लेती है और उसको जलाकर भस्म कर देती है। तभी आलिया का धीरे धीरे काला रूप खत्म होता है और फिर आलिया बन जाती है। मासी, मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की फिर कोशिश की, मुझे माफ कर दो मासी। मुझे उस चुड़ैल की बातों में नहीं आना चाहिए था और तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। सुनीता और आलिया दोनों गले लग जाते हैं और हाथ में हाथ जुड़ाकर अपने घर चले जाते हैं। सभी बच्चे खुशी खुशी घर चले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए।